आज हम 18 माइनक्राफ्ट फीचर्स जानने वाले जो आपको बिल्कुल पता नहीं होंगे। सो लेट्स गो। नंबर वन, अब एमएलजी कर सकते हो बिना किसी आइटम का यूज करके। अरे भाई बताता हूँ कैसे। पहले आपको सिंपली लैंड होने से पहले शिफ्ट और स्पेस दबाना है। तो लेट्स सी भाई, ये वर्क करता है। रुको यार, अच्छा वो बैड लगाया था भाई, इधर ही पीछे ही, वरना तो कहां ही स्पॉन होते। गाइज ये अभी तक तो वर्क कर रहा था, अभी क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा यार ये। तो गाइज ये 1.19 में कर रहा था वर्क, लेकिन अभी नहीं कर रहा। शायद मोजेंग ने भाई 1.20 में हटा दिया। लेकिन आप फिर भी ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नंबर टू, सोल सैंडल लेडी सुपर स्लो है, लेकिन इसके नीचे अगर आपने आइस ब्लॉक लगा दिया तो ये और भी स्लो हो जाएगा भाई। और अगर आपने इसके ऊपर भाई कॉबवेब लगा दिया और अपने ऊपर पोर्शन ऑफ स्लोनेस मान लिया, तो ये भाई सबसे स्लोएस्ट हो जाएगा भाई। इसको भाई भाई तुझे वहां तक जाने में दो जन्म लगेंगे। नंबर थ्री, क्या आपको पता है आप एक्चुअली माइनक्राफ्ट को बो से तोड़ सकते हो। यहाँ पे हम माइनक्राफ्ट रखेंगे, माइनक्राफ्ट नहीं माइनकार्ट, और यहाँ से अबे तेरी भैंस, अबे बैठना ना था भाई। तो अबे इसे वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, अबे ये भाई बैठ, अबे बैठ क्यों रहा भाई, तो बड़ी बदतमीजी है। बैठ जा रहा भाई, चल भाई तू चल, रुक जा। और भाई उस वाली को तो रुक, अरे वापिस आ रही है तो अरे लग गया। देखो भाई देखो, माइन गार्ड को भाई एक्चुअली हम बोझ से भाई गिरा सकते हैं। रुको भाई, इसके ऊपर किसी और को बैठ जाएगा तो बैठेगा, आले मत बैठ। देखो तो ऐसे कोई जा रहा है तो भाई उसको कसम से, अबे वापिस आ जा, हाँ हाँ आ जा। ऐसे कोई जा रहा है तो उसको से मार, अरे भाई अरे थोड़ा निशाना सही होना चाहिए वरना विलेजर को लग जाएगी। जैसे कि यहाँ पे सामने से एनिमी आ रहा है, तू हट जा साइड से। हाँ तो सामने से एनिमी आ रहा, जान मुझके बिल्कुल नहीं किया, अगले पे चलते हैं। नंबर फोर, मीनवाइल अरे ये बैठ गया तेरी भैंस की तेरी, अरे सही निशाना लग गया। देखो गाइस जैसे किसी को पटरे से उठा सकते हो। क्या आपको पता है इवोकर भाई ब्लू शिप को रेड शिप में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे देखो भाई मैंने चला दिया, ये देखो इवोकर अभी पागल होगा, किसी को ब्लू, अरे देखो भाई रेड कर दिया। एक और इवोकर भैया, अरे फुटेज दिखानी भाई, एक और, हाँ दिखा, अरे भाई साहब क्रेजी। एक और बहुत सारी तेरी भैंस की बहुत सारी किस्तें रखी है। एक और, हाँ इसको, अरे भाई साहब दूर दूर तक कॉन्टेक्ट है भाई, देखो भाई दूर दूर वाली सीप भी हो रही है। नंबर फाइव, फार्मिंग पोशन भाई सुपर यूजफुल है भाई डेडली मॉब को मारने के लिए। ये देखो भाई इजीली सारे के सारे मर रहे हैं तेरी भैंस की तरह। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ज़ॉम्बी भाई लिटरली इससे भाई वो होते क्या बोलते वो हील होते हैं भाई। देखो भाई ज़ॉम्बी को कुछ हो ही नहीं रहा, और यहाँ पे अगर इसको मैं मारूंगा तो भाई इसको लगेगी। ये देखो नॉर्मल मॉब को भी लग जाते हैं वैसे, भाई ज़ॉम्बी के साथ तो अलग हिसाब किताब है। नंबर सिक्स, अगर आपको अपने मैप को लॉक करना है, लॉक मींस अगर मैं इस एरिया को अभी भाई चेंज करता हूँ तो वो मैप में भी दिख जाएगा, लेकिन अगर वो मैप लॉक हो रखा है तो भाई वो चेंज नहीं होगा। पहले आप सिंपली इसको लॉक कर सकते हो भाई कार्टोग्राफर टेबल का यूज करके, बस आपको ग्लास पैनल डालना है इधर, और ये देखो यहाँ पे लॉक हो गया है, तो ये मैप लॉक्ड है अब। क्या आपको ये डिटेल के बारे में पता था, मुझे कमेंट में बताओ। नंबर सेवन, सभी को पता है भाई सीप का नाम हम जैब रखते हो तो भाई रेनबो की तरह एक्ट करती है, लेकिन रैबिट का नाम टोस्ट रखते हो तो भाई उस पे डिफरेंट टेक्सचर आ जाता है, और ये प्रो लोगों को ही पता है ये टेक्सचर। नंबर एट, भाई सभी को पता है भाई डिस्पेंसर ब्लॉक ड्रॉप करता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा भाई हम डिस्पेंसर से गोलम भी स्पॉन कर सकते हैं। पहले मैं भाई सिंपली इसमें कार्ब्ड पंकिन पंकिन कार्ब्ड पंकिन डालना है, और भाई सिंपली इसको भाई लीवर फ्लिक करेंगे, और वेट हाँ ये देखो भाई साहब यहाँ पे गोलम आ चुका है, और ये भी यहाँ पे सिंपली ऐसे ही वर्क करता है। ओ भाई साहब, अरे भाई सॉरी, अरे भाई माफ कर दे यार। वेल एक और ट्विस्ट है, हम इसका यूज करके भाई विदर भी स्पॉन कर सकते हैं। लेट्स सी भाई, करके देख ही लेते हैं। ओ भाई साहब विदर स्पॉन हो चुका है, वेल भागना होगा यहाँ से, चलो यार सॉरी गांव वालों माफ कर देना बाय। नंबर नाइन, आपको पता है भाई कैक्टस कोई भी आइटम डिस्ट्रॉय कर सकता है। वेल अभी तक ये एनविल के साथ भी था अगर वो उसके ऊपर गिरे, लेकिन 1.20 में ये वाली ट्रिक वर्क नहीं करती, तो अब से भाई एनविल आइटम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। इनविजिबिलिटी का पोशन काफी कूल है। वेल आप इसे मॉब को धोखा दे सकते हो, लेकिन आप इनविजिबल हो गए तब भी आपको विलेजर देख पाएंगे। भाई कैसे देख रहा भाई मुझे, वो एंचेंटिंग टेबल को भी पता चल जाता है भाई आप वहां सामने खड़े हो। नंबर 11, अगर आप भाई क्रॉसबो को रिलोड
रिलोड करते हो फायरवर्क से, तो यहाँ पे दिखता है भाई कि क्रॉसबो में फायरवर्क रिलोडेड है। और तो और भाई अगर आप क्रॉसबो को ड्रॉप करोगे फिर भी दिखेगा भाई वहाँ पे फायरवर्क रिलोडेड है ना भाई, कूल। नंबर 12, मॉब हेड माइनक्राफ्ट की ओपी चीज है और इसका एक और कूल फीचर है, अगर आप जोम्बी का मॉब हेड पहन के जोम्बी के सामने जाओगे तो भाई आप 50% कम उनको दिखोगे, लाइक 50% वो देख ही नहीं पाएंगे आपको। लेकिन भाई मैं बहुत क्लोज आ गया भाई, सॉरी यार, वैसे ये वर्क करता है लेकिन मैं बहुत ज्यादा ही क्लोज आ गया, सो इट्स वर्किंग। और ये छोटू, तेरी भैंस की छोटू, देखो देखो गाइस, ये देखो ये वर्क तो कर रहा है, देखो छोटू ऊपर नहीं आ रहा और ये आ गया भाई, सॉरी भाई अरे भाई छोटू कंफ्यूज हो गया था गाइस बाय द वे। नंबर 13, भाई विलेजर को क्वेयर करने में बहुत टाइम लगता है, लिटरली बहुत, लेकिन आप इस प्रोसेस को फास्ट कर सकते हो, बताता हूँ कैसे। भाई सिंपली उसके आसपास बैट लगा दो भाई एकदम, अरे भाई सो नहीं जाना, मस्त भाई आसपास बैट लगा दिए। फिलहाल आपको ये पता था या नहीं मुझे कमेंट में बताओ। नंबर 14, अगर तुम स्टिक को फ्यूल सोर्स की तरह यूज करते हो तो भाई वो एकदम बेकार है, लिटरली बहुत बेकार, लेकिन तुम उसी स्टिक की स्टेयर बना दोगे तो वो स्टिक से तो ज्यादा ही अच्छा काम करेगी। वेल ये छोटा सा हैक था। नंबर 15, वेल तुम्हें नहीं पता तो बता दूं भाई, एमेथिस्ट थोड़ी सी लाइट प्रोड्यूस करता है, लाइक तुम्हें इसे बस एमबीएम लाइटिंग के लिए यूज करना है तो ये काफी कूल चीज हो सकती है ना, एकदम ओपी। नंबर 16, वेल माइनक्राफ्ट में केव साउंड सबसे स्कैरी है, अगर आपको इसको प्रिडिक्ट करना है भाई वो कब आने वाला है तो सिंपली F3 दबाओ और ये मूड परसेंटेज अगर 100% में आ जाएगा तो वो केव साउंड आने वाला है। तो भाई अगर वो 100% में आता है सिंपली भाई ऑप्शन में जाके, म्यूजिक में जाके मास्टर वॉल्यूम को कम कर दो, अगर आपको केव साउंड से बहुत ज्यादा ही डर लगता है तो। नंबर 17, वेल अगर स्नो हो रही है तो भाई स्नो के पार्टिकल थोड़े से ऊपर जम जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हो, इवन यहाँ तो पूरा ब्लॉक ही बन चुका है भाई स्नो का, लेकिन अब नोटिस कर पा रहे होगे भाई स्नो के ऊपर, मतलब ये मतलब कौन सी स्नो, ये आइस है, आइस के ऊपर भाई स्नो पार्टिकल जमते नहीं है, लाइक देखो मैं अगर मैन्युअली भी इसको प्लेस करना चाहूंगा स्नो को तो बिल्कुल नहीं होगा। वेल ये आइस पे और पैक्ड आइस पे नहीं लगता लेकिन ब्लू आइस के ऊपर ये लगता है। वेल आपको ये पता चाहिए नहीं मुझे कमेंट में बताओ। नंबर 18, वेल माइनक्राफ्ट में टू टाइप्स की काउज है, एक ये नॉर्मल काउज और ये मशरूम काउज, लेकिन क्या आपको पता है माइनक्राफ्ट में एक सीक्रेट काउ भी है, ब्राउन मशरूम काउ। वेल आप चैनलिंग वाले ट्राइडेंट से मशरूम काउ को मारते हो वो भी थंडरस्टॉर्म के टाइम पे, तब ये काउ आती है। ये तो सही है भाई, तेरी भैंस की दूध भाई, तू भी ब्राउन काउ बनो, सॉरी की सॉरी। और वो कहाँ जा रहा भाई, हाँ अरे भाई तीन बन गए एक साथ, नाइस बढ़िया, ये भी बन गया। अरे वो ये नई चीज है भाई, देखो अगर तुम ब्राउन काउ को भाई चैनलिंग के वाले से या ट्राइडेंट से मारोगे मतलब थंडरस्टॉर्म के टाइम पे तो वो रेड, वो थोड़ी हेल्थ कम थी। एनीवेज गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, लिंक पिन कमेंट में है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार अपने भाई को, 1000 फॉलोवर्स करवा दो।